अरे भाई ये सबसे मस्त चीज कमांडो। ये देखो इन अंकल को देखो, मतलब सीट मतलब पैर पहुंचने के लिए पूरा तेरा करके बैठा हुआ है। अरे अरे बाप रे, वो दोनों एक साइड पे जा रहा है। हमारा बाइक है, चलो हमारा अलाव है ये सब करने का। उस दिन कुछ ना कुछ बोल के आ जाऊंगा। बाइक है तो और भी सही है गाइस, जैकेट लगा लो, ग्लव्स पहन लो। और सो गाइस, जैसे जैसे वैलेंटाइंस डे नज़दीक आ रहा है, वो मतलब वैसे ही मतलब वेदर भी जो है रोमांटिक होता जा रहा है। अभी जो है पूरा क्लाउडी वेदर है यहाँ पे, सुबह सुबह को पूरा बारिश वरिश दिया, अभी थोड़ा सा धूप निकला है, लेकिन क्लाउडी वेदर जो हो गया रोमांटिक वेदर। लेकिन हमें क्या, हम तो सिंगल है भाई। और जो लोग भी सिंगल है ज़्यादा मत सोचो, तो हम लोग का कुछ नहीं होने वाला इसमें, सिर्फ जो लोग कपल्स है उन लोग के लिए मज़े। मज़ा नहीं आ रहा है। सो गाइस, यह सीन चेकआउट करिएगा, थोड़ा बहुत जो है क्लाउडी वेदर है अभी, और थोड़ा सा धूप निकला है अभी, देख सकते हो धूप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा निकला है। पहले जो है पूरा क्लाउडी था, और सुबह को जो बहुत बारिश दिया था, 5 बजे से बारिश हुआ था। मैं मुझे मतलब याद है, मैं सोया नहीं रात को, तो मतलब रात को सोया मतलब उठ गया था जल्दी, तो वो नींद खुल गया। तो वेदर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और गाइस, लाइफ में अगर टेंशन चल रहा है, डिप्रेस है, या फिर कुछ मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, तो कभी भी उम्मीद मत हारना गाइस। मैं जो हूँ ना, मैं खुद जो है एक्चुअली जल्दी हार मान लेता हूँ, जल्दी जो है अपसेट हो जाता हूँ, मतलब ये हो नहीं पाएगा मुझसे, या फिर मतलब कुछ भी होता है ना, या कुछ भी मतलब प्रोफेशन हो, पेशन हो, या फिर लव लाइफ हो, कुछ में भी, तो जल्दी हार मान लेता हूँ, कुछ नहीं होने वाला मेरा, फिर वो हो जाता हूँ, मतलब वो क्या बोलो, दिल टूट जाता है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। मैं बहुत मतलब पहले से ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे करके मैं सीख रहा हूँ। मेरे कुछ मेरे जो बहुत सारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, तो उसके वजह से जो है मैं फिर से खड़ा होता हूँ। तो उम्मीद कभी मत हारना गाइस, उम्मीद हार जाओगे तो जिन लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, तो उम्मीद नहीं हारना है। अगर थोड़ा सा टूट भी जाए तो फिर से अपने आप को मोटिवेट करो, मोटिवेट गाना सुनो, मैं वर्कआउट गाना मोटिवेशन जो होता है ना वो सुनता हूँ ज़्यादातर सुबह सुबह को, तो और फिर एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मोटिवेट हो शरीर, जो आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा जाए, तो ऐसा ही करना। और अगर आप लोग के पास बाइक है तो और भी सही है गाइस, जैकेट लगा लो, ग्लव्स पहन लो। और गाइस राइट पे निकल जाओ। तो मैं तो एक्चुअली ड्यूटी जा रहा हूँ, राइट पे नहीं हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप फ्री हो तो बाइक लेके निकल जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, अच्छा लगेगा। बाइक चलाने का मजा जो है ना वो कुछ अलग लेवल का होता है, तो जिसके पास बाइक है उन लोगों को ही पता होगा भाई, बाइक का प्यार अलग है। ये देखो ये लव कहाँ कहाँ से चला के आ जाता है भाई। अरे भाई इनको भी अभी अटैक करना था, क्या हो रहा है, लौड़ा ओवरटेक कर रहा है, एक दूसरा क्रॉस कर रहा है, तीसरा टर्न ले रहा है, अब ये जैसे भी मुझे ठोक ना दे। चलो बच गया इससे तो। एक्चुअली गाइस कुछ दिनों से ना मैं मतलब पूरा डिमोटिवेट फील हो गया था, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब पूरा एक होता है ना इंसान एक हारा हुआ टूटा हुआ ऐसा हो गया था मैं। लेकिन हे अपना एक दोस्त अपना मोटा भाई, तो उससे मिलाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद देखते हैं। वैसे मेरे ब्लॉग पे आ चुका है, एक दो बार ही आ चुका है, वो उतना मतलब मिल नहीं पाता, बहुत दूर है, तो वो ज़्यादातर जो है ना मुझे मोटिवेट करता है, तो उसकी वजह से जो है ना मतलब मोटिवेट हो जाता हूँ। तो अच्छी बात है, ऐसा दोस्त होना चाहिए हर किसी के पास जो मोटिवेट करे, ना कि मतलब होता है ना एक सेट, हमेशा सेट कहानी ये सब, हमेशा मतलब होता है ना एक सैड सा रहता है, या फिर ऐसा ऐसा मतलब माहौल जो है ना मोटिवेट करने वाला जो इंसान होता है ना, उन लोग के साथ ज़्यादातर मतलब रहा करिएगा आप लोग, ताकि आप लोग भी जो है मोटिवेट हो सके। तो मोटिवेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है गाइस लाइफ में, मोटिवेट और एक होता है पेशेंस, तो ये दोनों चीज़ जो है ना भाई बहुत ही ज़रूरी है। क्या हो रहा है रे आज, सब गाड़ी जो मेरे सामने से जा रहा है,
5-10 मिनट तो फिर से रुकना पड़ेगा यहाँ पे। तो टाइमिंग जो है पूरा मैच हो गया आज निकलने का और ट्रेन आने का टाइमिंग, थोड़ा और जल्दी आ जाता तो अच्छा होता। ड्यूटी पे ड्यूटी पे वो तो मॉल पे कहाँ जा रहे हो तुम? ड्यूटी पे जा रहे हो ना? अच्छा ऑफिस कहाँ पे? कौन सा वाला? हाँ ओ अभी कहाँ जा रहे हो? अच्छा उधर से NIT जाएगा ना, कहाँ पे? अच्छा ठीक है, बोला मैं और जो ऑफ ले लूंगा उस दिन, राइट तो संडे को ही बनता है। सब लोग एक साथ जाने से मजा है। वही वही दिन तो हम लोग तकरीबन होके आए जो तुम दोनों ना बोल के देखना, सबको बोल के देखना, अगर वो फ्री रहता है सब जाएंगे। केतन उतन सबको बोल के देखना, मैं भी उस दिन कुछ ना कुछ बोल के आ जाऊंगा। शाबाश बेटा। प्रोजेक्टर टाइप का वाला नीचे, ये व्हाइट और येलो जलता है ना, ये डिपर है। ये विंटर में काम आता है, अभी तो जरूरत नहीं है। आ? अभी तो उतना जरूरत नहीं है, नेट का उतना वो नहीं है, फोकस थ्रो नहीं है ना। हाँ राइट, रात को जला सकते हैं। सुंदर बाप रे, बहुत लंबा ट्रेन है तो पढ़ते वार लग जाएगा वार। मेरे सामने आके रुक गया भाई, ये देख सकते हो। गाइस कैसे कैसे करके निकल गया, यहाँ पे देख रहे अभी पूरा का पूरा जाम। अरे भाई ये सबसे मस्त चीज कमांडो, इनको देख के ना भाई जोश आ जाता है। कमांडो ज्वाइन करने का मन करता है लेकिन जब प्रैक्टिस के लिए दौड़ने जाएंगे तब मन नहीं करेगा, लेकिन ऐसा ड्रेस लगा के ड्यूटी पे जाना ऐसा मन करता है। ये सब के साथ होता होगा, आप लोग के साथ भी होता होगा, सच है कि नहीं बताओ। ये देखो इन अंकल को देखो, मतलब सीट मतलब पैर पहुंचने के लिए पूरा तैरा करके बैठा हुआ है। तो कंपनी वालों देखो इनको, थोड़ा सीट कम करो यार स्कूटी का। मैं इनको मतलब हंस नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सीट कम कर देता तो अच्छा होता है स्कूटी वगैरह का। तो स्कूटी में उतना लंबा सीट नहीं चाहिए, एक्चुअली ज़्यादातर लेडीज़ भी चलाते हैं स्कूटी, तो सीट जो है थोड़ा हाई जो है कम रखना चाहिए। क्या चल रहा है पता नहीं, ये दिल्ली ऐसा होता है। अरे अरे बाप रे, वो दोनों एक साइड पे जा रहा है। टाउन के बीच ना अचानक रोड क्रॉस कर देता है, रिक्शा वगैरह टुक टुकी चलने लगता है। उस दिन कुछ दिन पहले भी मतलब मैं तब कैमरा नहीं लाया था उस दिन, तो एक लड़का को गिरा दिया भाई, पूरा नी पे लगाया, डायरेक्ट नी जो है ना जाके रोड पे लगा था, तो काफ़ी बुरा लगा उसको, काफ़ी दर्द हुआ होगा बाद में। मैं मतलब पता लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था, नी में ना भाई बहुत ही खतरनाक इंजरी हो जाता है। तो गाइस इस ब्लॉग को आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक ब्लॉग था आज का वाला। तो आज काफ़ी मतलब मोटिवेट हो गया हूँ मैं, ये भाई साहब जा क्यों नहीं रहे भाई। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड राइड सेफ। Peace out, guys.